हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डॉट नेट फ्रेमवर्क कैसे डाउनलोड करते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको 3.5 वर्जन बताया है कि आप इसे किस तरीके से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और इस वीडियो को देख के आपको किसी ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने के लिए, आप डायरेक्टली एक विंडो के फीचर की मदद से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे और विंडो इसे ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने पीसी में इंटरनेट कनेक्ट करके रखना है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश टेक सॉल्यूशन चैनल। देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, डॉट नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपना पीसी नेट से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद कंट्रोल पैनल खोलकर हम लोगों को जाना होगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाने के बाद हम लोग जाएंगे टर्न ऑन विंडोज फीचर और ऑफ। इस पर क्लिक करके हम लोग अपने नेट फ्रेमवर्क का वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। उस पर टिक करने के बाद हम लोग ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ पर ये सर्च करने लगेगा। हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये हमारे डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से है तो आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ये एक शॉर्ट तरीका है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोगों को कोई वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें विंडो ऑटोमेटिक फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर लेता है और हमें किसी ब्राउज़र की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ही काम हमें ज़रूरी करना है, जिसमें हमें अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है और सही स्पीड आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल लो स्पीड ना है जिसमें आपका डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बस ये लोडिंग कंप्लीट हो के हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड होने वाला है और इसमें कुछ सेकंड की देरी और रही है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप भी कंप्लीट कर सकते हैं अपने डॉट नेट फ्रेमवर्क को बिना किसी ब्राउज़र के यूज़ के, डायरेक्टली आपकी विंडो ऑटोमेटिक इसे डाउनलोड कर लेगी। सो फ्रेंड्स, हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको इसमें कंट्रोल पैनल में जाकर चेक कराता हूँ कि हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड हो भी गया है या नहीं। सो फ्रेंड्स, वापस हम लोग उन्हीं ऑप्शन पे आएंगे और देखिए हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड हो चुका है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे। Thank you.